Hi guys, assalamu alaikum. This is CS201 Introduction to Programming. मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं कालम ऑफिशियल्स. बेसिकली जो आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 22, लेक्चर आपके थे 21 तक, ठीक है. यहाँ पे वो कुछ रिवीजन टॉपिक की करना चाह रहा है, कुछ रिव्यू देना चाह रहा है. और यहाँ पे बेसिकली आपको दो तीन चीजें मैं इंफॉर्मेशन के तौर पे बता देना चाहता हूँ. बेसिकली जो आपका फाइनल टर्म है, इसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो है 23. लेकिन 23 लेक्चर पढ़ने से पहले 22 को लाजमी तौर पे देख लें. ये लेक्चर मिड टर्म का लास्ट चैप्टर है और जो फाइनल टर्म है उसका फर्स्ट चैप्टर है. जो मिड वाले हैं वो तो इसी तरतीब से आते जा रहे हैं, लेकिन जब आपने फाइनल में जाना है तो फाइनल में भी आपका फर्स्ट लेक्चर यही होना चाहिए, ठीक है. ये दोनों टर्म के लिहाज से इसको मैं कंडक्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने फाइनल स्टार्ट करनी है तब भी यहाँ से स्टार्ट करना है, और अगर आपने मिड खत्म करना है तब भी इस लेक्चर पे आपने खत्म करना है, ठीक है. दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है. बेसिकली ये बहुत ज्यादा आसान लेक्चर है क्योंकि इसमें हमने कुछ चीज पढ़नी नहीं, सिर्फ हमने रिविजन देखना है. तो बेसिकली अगर आपने मिड टर्म नहीं पढ़ा तो आपको फाइनल की समझ नहीं आने वाली. तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लेक्चर नंबर 3 से मेरे जो आपको लेक्चर मिल जाते हैं कहीं से भी, आपने लेक्चर नंबर 3 से लेक्चर नंबर 10 तक थोड़ी सी प्रोग्रामिंग को समझ लें. और इसके अलावा हमारा CS101, 201, 301 की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जिनको मैं खुद कंडक्ट करता हूँ. CS201 की क्लासेस जो है मिड के फौरन बाद स्टार्ट हो जाती हैं. CS201, CS101, 301 तमाम क्लासेस जो CS की हैं, ठीक है. अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस में अपना एडमिशन करवा सकते हैं. दिस इज बेसिकली पेड क्लास होती है और बड़ी मुनासिब फीस होती है, ठीक है. तो चलते हैं लेक्चर की तरफ और इसको आसान कर देते हैं. बेसिकली ये टॉपिक जो है यहाँ पे उसने बताया कि हमने ये पढ़ना है, इसकी समरी है, इसको हम रिपीट करेंगे जी. तो हमने पीछे जितना भी तफसील से जितने भी लेक्चर पढ़े हैं आपके 21 तक जो है, लेक्चर नंबर 21 तक जो आपने पढ़ा है, वहां से आगे वो आप रिवीजन दे रहे हैं. आपने बिटवाइज पढ़ा, इसको समझ लेते हैं. बिटवाइज बेसिकली क्या होता है? बेसिकली जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें आपने इंक्रीमिनेंट ऑपरेटर के साथ आपने ये एक ऐड करने का ऑपरेटर पढ़ा था कि यहाँ पे सीन कुछ इस तरह से था. एक वैल्यू जो हमारे पास ए है उसकी वैल्यू के अंदर एक प्लस करते जाना है आपने, ठीक है. इसको इंक्रीमिनेंट ऑपरेटर आपने पढ़ा था, ठीक है. इसको कुछ आप इस तरह से समझ लें कि आपने इसको प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको बात की आसानी रहे समझने में. बेसिकली आपको एक कोड पे ले आया हूं मैं, यानी किस चीज को समझिएगा, ये सीन क्या है. बेसिकली आपका एक वैल्यू जो है एक्स की वो 1 है वैल्यू, ठीक है. ये लूप के साथ इंक्रीमिनेंट इस्तेमाल होते हैं, इस चीज को छोड़े सिर्फ आपने इस चीज को समझना है, ठीक है. यहाँ पे x की वैल्यू जो है 1, तो उसमें यहाँ पे हमें बता दिया है कि x में जो है ना प्लस 1 करते जाओ. x की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें एक ऐड करो और न्यू आंसर जो आएगा फिर उसमें एक ऐड करो, फिर उसमें इसी तरह इंक्रीज करते जाओ, ठीक है. और ये कंडीशन बता दी है ये 10 तक जाना चाहिए, ठीक है. तो ये हर बार इसमें एक जमा करता जाएगा. इसको रन करते हैं, वैल्यू चेक करें, बेसिकली 1, 2, 3, 4 और 10 तक आ गई, ठीक है. उसके बाद अगर इस ऑपरेटर की हम कुछ कंडीशन चेंज करें तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ. सारे को खत्म कर देते हैं और इस तरह इंक्रीमिनेंट को इस तरह से भी लिखा जा सकता है जैसे कि आपने पढ़ा है. पीछे इसको रन करते हैं, क्या वही काम कर रहा है? बिल्कुल वही काम कर रहा है, ठीक है. अगर प्लस प्लस लिख तो फिर भी इसमें प्लस 1 ऐड करेगा, और अगर आप इस तरह से लिखें फिर भी इसमें 1 ऐड करता जाएगा सॉरी. उसके बाद तो ये तीसरा तरीका लिख दिया मैंने. इसको अगर इस तरह से करते हैं फिर भी इसको रन करते हैं तो ये वही काम कर रहा है, ठीक है. एक ऑपरेटर प्लस यहां पे लगाना, इनके दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए. यहां पे स्पेस आ गई तो ये प्रोग्राम का जो है ना पूरा बेड़ा जो है अगर कर देगा. इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा. अच्छा, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका हमने ये वाला किया है, और एक तरीका हमने ये किया कि इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया था, एक्स को हमने कर दिया एक्स प्लस प्लस, ठीक है. इसको हमने एक्स प्लस प्लस कर दिया, ठीक है.
तो ये दो तरीके हैं, तीन तरीके। अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन क्या था, इसमें हमारे पास इनक्रिमिनेंट ऑपरेटर है, ये भी मेथड वही काम करता है, ये भी वही करता है, यानी कि यहाँ पे इसको एक और थर्ड मेथड भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी रहे। इसको हम कर देते हैं एक्स और इसमें प्लस प्लस। ये जो प्लस प्लस वाला सीन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए होगा, वन के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसमें एक ही ऐड करना तो फिर ये इंक्रीमेंट लग सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर हम इसमें चेंजिंग क्या कर देते हैं, अगर हम कर देते हैं इसको, कोड को यहाँ पे ले आता हूँ, मैं कहता हूँ अगर मैं इसमें प्लस टू करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये क्या सीन करेगा, इसको मैं रन करता हूँ, नाम रख देते हैं, ऐसे कोई नाम रख दिया रैंडम, इसको रन कर दिया। अब चेक करिएगा, अब इसकी वैल्यू 1, 3, 5, 7, 2 का फर्क है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 कर देता हूँ, इसमें वो हर बार 10 ऐड करता जाएगा, ठीक है, यानी कि वैल्यू आपके सामने है 1, फिर उसमें 10 प्लस किया 11, 11 में 10 और इसी तरह से। इसलिए यहाँ पे अब प्लस प्लस वाला नहीं लगेगा, बाकी दूसरे दो लग सकते हैं, जैसा कि मैं कहता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड इसको नीचे और कंट्रोल वी किया एंड यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया और यहाँ पे सिर्फ इसको ये चीज कर दी। ये दोनों चीजें सेम ही वर्क करेंगी जैसे कि एक कोड दूसरे के साथ करता था। इसको मैं जरा वो कर देता हूँ, इसको नहीं करना था, इसको कर देते हैं कमेंट, इसको रन कर लेते हैं, ये भी वही काम कर रहा है जो कि वो करते हैं। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अब यहाँ पे ये वाला कोड नहीं लग सकता एक्स प्लस प्लस, क्योंकि ये सिर्फ प्लस वन के लिए होता है, तो लिहाजा ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब आपने माइनस करना हो तो माइनस के लिए भी यही सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे आपने माइनस कर देना है और सारा प्रोसीजर सेम है। उसके बाद वो क्या कहता है, उसके बाद कहता है बिट वाइज ऑपरेटर कौन से होते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर समझाने के लिए ये मैंने आपको मेथड बताया कि बिट वाइज ऑपरेटर जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का सेम मेथड होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक्स है तो यानी कि ये ए है और ये ए प्लस वन है, और अगर यहाँ पे एंड है और ए प्लस एंड ऑपरेटर है तो इसको भी उसी तरह से लिखा जा सकता है। समझिएगा, सबसे पहले ऊपर स्टेटमेंट कहता है सेम थिंग अप्लाई बिट वाइज, सेम चीजें उस पर कहता है अप्लाई होती है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है, इनको कंपाउंड भी कहते हैं। उसके बाद बिट वाइज एंड, ये जो फॉर है ये वाला एंड है ये सेम एज इट इसकी तरह ही लिखा जाता है, लेकिन इसका काम जो होता है ये बाइनरी नंबर पे वर्क करता है, ठीक है, बाइनरी नंबर पे। उसके बाद ये बिट वाइज और, ठीक है, ये भी बाइनरी पे, और एक्सक्लूसिव और जो होता है ये भी उलट करके ये भी बाइनरी पे काम करता है, लेकिन इनको लिखा सेम जाता है कि ए एंड एंड और बी, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरीज आते हैं। उसके बाद एंड को ऐसे लिखा जाता है यहाँ पे, यानी कि पहले यहाँ पे एक्स आ गया था जैसे कि ये वाला, और यहाँ पे एंड आ गया, सेम एज इट लिखना है। फोर के लिए भी ये यहाँ पे ले आए हैं जो कि पहले यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इसको भी उसने यहाँ पे कर दिया, यानी कि अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी किया, अगर हम इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको यहां से खत्म कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं ए, फिर इसके अंदर यही वाली जो वैल्यू है इसको कॉपी करके लिख देते हैं, ठीक है, इसको सॉरी ऊपर जाना था, इसने यहां पे इसको यहां पे ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको यहां से खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर सेम है एज तरीके से लिखे जाते हैं, बस इनका थोड़ा सा काम डिफरेंट होता है सिर्फ मेंशन करने की। यहाँ पे कहता है नॉट ऑपरेटर इज यूनरी, ये यूनरी होता है और बाकी बाइनरी होते हैं। इट इज रिक्वायर्ड ओनली द नॉट ऑफ द वेरिएबल इज, यानी कि कहता है ये सिर्फ नॉट ऑपरेटर के लिए यूज होता है, वेरिएबल के लिए नहीं होता, यानी कि ए को ये उलट के क्या करेगा, ए को ए ही रखेगा तो नहीं यूज हो सकता, ये सिर्फ वहां पे यूज होता है जहां पे वैल्यू को 1 से 0 और 0 से 1 करना हो, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, सिर्फ रिविजन है, बहुत ज्यादा आसान है। उसके बाद यहाँ पे उसने कुछ बताया वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, ये होल्स होते हैं उसके अंदर एड्रेस स्टोर करने के लिए, आपको बड़े अच्छे से अंदाजा है वेरिएबल क्या होते हैं, मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 से बता दिया था 2 से। उसके बाद द सिंबॉलिक नेम आर यूज्ड टू द सिंबॉलिक नेम आर कॉल्ड द वेरिएबल, उनके जो सिंबल के नेम्स होते हैं वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे कुछ डाटा टाइप दी हुई है और वगैरह वगैरह। उसके बाद जिन लोगों ने मिड टर्म नहीं पढ़ी उनको शायद लेक्चर ये समझ में ना आए, जिन्होंने मिड नहीं पढ़ी उनको फाइनल टर्म के लेक्चर बहुत मुश्किल से समझ आने वाले हैं, इसलिए आपको सिर्फ मशवरा है आप ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आ जाएं। उसके बाद डाटा टाइप्स, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, आपको पता है कि हमने जब भी कोई वेरिएबल यूज करना होता है पीछे बताना होता है कि उसकी टाइप कौन सी है, फ्लोटिंग पॉइंट है आपका, यहाँ पे करैक्टर है, आपने यहाँ पे काउंटिंग के लिए इंट यूज करते हैं, इंटीजर इशारे वाली वैल्यू के लिए फ्लोट डाटा टाइप यूज करते हैं, ठीक है, लॉन्ग के लिए डबल, करैक्टर एटसेट्रा आपको पता है। करैक्टर आर इनकोडेड इन द सिंगल कोटेशन, करैक्टर जो होते हैं वो सिंगल कोटेशन में होते हैं, यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट है। द साइज ऑफ इंट ऑन आवर मशीन इज द 4 byte, 4 byte होता है,
किसका, इंट का, याद रखिएगा इंट का साइज उसने बताया 4 और करेक्टर का 1 बाइट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वीज है, करेक्टर आर इनक्लोज्ड इन द सिंगल कोटेशन, ये सिंगल कोटेशन में होते हैं, बिल्कुल सही बात की है उसने। उसके बाद कहता है आस्की टेबल कंटेन द न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर द करेक्टर, करेक्टर की न्यूमेरिक वैल्यू भी होती है, आस्की का होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंस्टीट्यूशन का ये जो कुछ होता है, ठीक है, ये भी एक कोडिंग की लैंग्वेज होती है। उसके बाद कहता है फ्लोट आर कॉल्ड अरेज, अरे क्या होता है आप पीछे पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन है ये टॉपिक, बिल्कुल रिवीजन है। उसके बाद कहते हैं ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर की 3 टाइप्स होती हैं, अर्थमेटिक, लॉजिक और बिटवाइज। बिटवाइज ऊपर पढ़ लिए, अर्थमेटिक और लॉजिकल, अर्थमेटिक प्लस माइनस वाले। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, प्लस के लिए इस्तेमाल होता है, माइनस के लिए, डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है, और ये डिवीजन के लिए, और ये रिमाइंडर, यानी कि 7 को 2 से डिवाइड करें तो 2 3 6 और पीछे 1 रिमाइंडर के तौर पर बच गया। आपने पढ़ा होगा जो उर्दू मीडियम वाले थे, वो जो बाकी बचता था वो आपका ये है रिमाइंडर ऑपरेटर, इसके लिए ये वाला साइन यूज होता है। उसके बाद कहता है ये वाला फॉर शॉर्ट हैंड, ये वाले ऑपरेटर उसने बता दिए कंपाउंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस इसी को उसी तरह लिखा जा सकता है, आपने लेक्चर नंबर 12 में पढ़ा था उसी तरह से जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा है, इसको ऐसे लिखा जाता सेम एज इट, और इसको भी सेम एज इट लिखा जाता फॉर द शॉर्ट हैंड, और इनकी स्पीड जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादा होती है। उसके बाद यहाँ पे उसने बताया भी है कि इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, जो कि मैंने ऊपर यहाँ पे आपको बताया था कि इनके दरमियान यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए वरना एरर आ जाता है, ठीक है, चेक। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद क्या कहता है, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, वो जो लॉजिक परफॉर्म करते हैं, यानी कि आपका ये इक्वल है, आपका ग्रेटर है, ये लेस है या बराबर है या क्या है, ये लॉजिक्स होते हैं, इनको लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या कहता है, लॉजिकल ऑपरेटर ऑलवेज ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू या फॉल्स बताता है। इसमें एंड ऑपरेटर, इसके लिए ये साइन यूज होता है, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग के अंदर ये डबल साइन यूज होता है, ठीक। उसके बाद आर ऑपरेटर, आर ऑपरेटर के लिए ये वाला साइन यूज होता है। उसके बाद कहता है लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू, दो वैल्यू को कंपेयर करता है, यानी कि लेस देन और इक्वल, और ये इक्वल एंड ये ग्रेटर देन, और इक्वल एंड ग्रेटर देन, यानी कि ये जो हमने यहाँ पे वैल्यू यूज की है ना, ये वाली वो बता रहा है कि एक्स की वैल्यू 100 से नीचे रहनी चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये सारा कुछ आप जानते हैं, आपने मिड में पढ़ा है सारा कुछ। उसके बाद आगे चलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर में इसको मैंने थोड़ा सा कर दिया है टेक्स्ट को ताकि आपको समझने में आसानी हो। इज अ बिट वाइज एंड ऑपरेटर, सेम एज इट, उसी तरह का होता है जैसे कि दूसरा एंड ऑपरेटर होता है, लेकिन ये बाइनरी पे काम करते हैं। सेम एज इट इज द बिटवाइज और ऑपरेटर, ठीक है, वहां पे डबल होता है, आपने शायद ऊपर अभी पढ़ा भी है, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये डबल लाइन होती है और ये भी डबल लाइन होती है, यहाँ पे ये सिर्फ सिंगल लाइन में होती है, ये याद रखिएगा। इज द बिटवाइज ऑपरेटर, ये भी सिंगल और ये भी बिटवाइज, इज एक्सक्लूसिव आर होता है बिटवाइज, ठीक है। बिटवाइज इन्वर्जन यानी कि उलट करने वाला नॉट ऑपरेटर होता है, नॉट ऑपरेटर इज यूनरी, ये याद रखिएगा, सिर्फ नॉट ऑपरेटर यूनरी है, बाकी सारे जो है बाइनरी है। इट रिक्वायर्ड वन ऑपरेटर, इसको सिर्फ एक ही चाहिए होता है, इसलिए ये यूनरी है, ठीक है। और जो बाइनरी होते हैं उनको दो वैल्यूज चाहिए होती है कंपेयर करने के लिए, और ये सारे जो हैं बाइनरी ऑपरेटर हैं, ठीक है, ऑपरेटर, बिकॉज रिक्वायर्ड टू इक्वल ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स, ठीक है। अगर वो कहे कि दो वैल्यूज वाला क्या होता है, वो बाइनरी और एक वैल्यू वाला यूनरी होता है, यूनरी सिंगल को कहते हैं। प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें उसने बताया कुछ सिक्वेंशनल एग्जीक्यूशन होती है कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूशन होता है, फिर उसमें डिसीजन को चेक किया जाता है, उसमें फिर लूप्स लगते हैं, इफ स्टेटमेंट लगती हैं, फिर उसके बाद काम होता है, तो इस सारे प्रोसीजर को कंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसका कंस्ट्रक्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद डिसीजन होता है, इफ स्टेटमेंट इज द यूज वेयर द डिसीजन आर द रिक्वायर्ड, यानी कि डिसीजन इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है, लूप्स लगते हैं, तो यहाँ पे डिसीजन यूज होते हैं। ये पीछे पढ़ा, सिर्फ रिवीजन के तौर पे बता रहे हैं, यहाँ पे आपने कुछ याद नहीं करना, पीछे आप पढ़ चुके हो और आगे आप पढ़ते जाओगे। उसके बाद मैं भी थोड़ा सा ये लेक्चर छोड़ना नहीं चाहता था इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद कहता है ये कंडीशन को चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू और फॉल्स है तो फिर उस हिसाब से काम करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर कोड चलता है, इफ कंडीशन ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, यानी कि वो चल जाता है अगर वो ट्रू है, अगर वो फॉल्स है तो वो नहीं चलता, वो ब्लॉक कर देता है स्टेटमेंट को और स्टॉप कर देता है, एग्जिट कर देता है, ठीक है। कहता है ब्रेसेस इफ कोड ब्लॉक आर मैंडेटरी, ठीक है, ये जरूरी होती है ब्रेसेस लगाना, ठीक है। जरूरी से मराद ये है कि यहाँ पे लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, मैंडेटरी होती है, ठीक है, जहां पे जरूरत है वहां पे लगेंगी, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे नहीं लगेंगी। इफ देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट इफ कोड ब्लॉक देन द ब्रेसेस कैन बी ओमिटेड,
कहता है इफ देर इज ओनली वन स्टेटमेंट, अगर एक ही स्टेटमेंट है तो यहाँ पे आप इसको लगा भी सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं, इफ स्टेटमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। कंडीशन फॉल्स है तो इफ कोड ब्लॉक स्किप, अगर कंडीशन फॉल है तो प्रोग्राम स्किप कर देगा, अगर ठीक है तो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और एल्स पार्ट आपको पता है कि अगर एक साइड काम नहीं कर रही तो एल्स, मतलब एल्स का मतलब ही होता है कि अलावा दूसरी की तरफ चले जाओ, ठीक है। इफ का ये कोड है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा पीछे बिल्कुल अच्छे से, नहीं पढ़ा तो पीछे वाले लेक्चर समझ नहीं आप एक बार जाके, ठीक है। उसके बाद बाकी हम आगे कवर करते जाएंगे, ब्रेसेस इज अगेन मैंडेटरी, उसके बाद इट मेक योर प्रोग्राम मोर रीडेबल लॉजिकली, ठीक है, ये आसानी कर देती है ब्रेसेस जो होती है। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप की बात करता है, ये एक ऐसा लूप होता है जो कि डिसीजन से भी ज्यादा अच्छा काम करता है, यानी कि उसमें कुछ शक की गुंजाइश नहीं रहती, यानी कि ये यहाँ पे उसने लिखा भी होगा समथिंग बेस्ड, ठीक है, ये लिखा है उसने, कहा फर्दर वी वांट टू मोर बेस्ड एडिशनल कंडीशन, यानी कि वो कहता है कि हमें एक बार तसल्ली नहीं हुई, मोर कंडीशन को टेस्ट करता है, ठीक है, अगेन टेस्ट करता है ये नेस्टेड लूप जो होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे उसने बोला इफ ये वाला समझे, इफ ए 100 के इक्वल है तो डू समथिंग, ठीक है। आगे उसने दूसरा स्कोप दे दिया, एल्स डू समथिंग एल्स, दूसरा काम कर दो, फिर उसने एल्स लगा दिया, उसको फिर यकीन नहीं आया, ठीक है। ये मजीद एक्स्ट्रा वर्क के लिए यूज होती है, यहाँ पे सिर्फ आपने हल्का सा टच आ गया, हम इसको क्लियर करेंगे। स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट, वी नेवर गो टू द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट जॉइन स्टार्ट और द पॉइंट, कहता है स्ट्रक्चर फ्लो चार्टिंग जब हम बनाते हैं तो वो ये कहता है वी नेवर गो टू द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन देन द जॉइन स्टार्ट टॉप बटन, मतलब कहता है जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो एक लिमिट लाइन होती है उसको बाउंड्री लाइन को कहता है हम क्रॉस नहीं करते, ना लेफ्ट जाते हैं ना राइट जाते हैं, उससे टॉप या डाउन में जा सकते हैं, स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं, फ्लो चार्ट की बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे उसने बाउंड्री लाइन की बात करते हैं, यानी कि स्क्रीन की जो बाउंड्री होती है ना इस पे आप क्रॉस नहीं कर सकते प्रोग्राम, इसको मैंने रन किया, यानी ये स्पेस थी इसको खत्म नहीं किया था हमने, इसको रन किया तो ये जो बाउंड्री लाइन है ना इस स्क्रीन से आप क्रॉस नहीं कर सकते, ये कुछ इस तरह की बात कर रहा है, ठीक है, आप रीड कीजिएगा। उसके बाद फ्लो चार्ट इज द लॉजिकल डेसीशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, यानी कि फ्लो चार्ट होता है उसमें काम कैसे करना है इस तरह से बनाया जाए, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये लेक्चर आपने इसमें से कुछ भी याद नहीं करना, सारा कुछ रिपीट में बता रहा है अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो, अगर आपने पहले कोई लेक्चर नहीं लिया तो फिर आपको लेक्चर लेने पड़ेंगे। लूप्स की बात है, आपको बिल्कुल लूप के मतलब पता है कि सी लैंग्वेज लूप्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, बार बार काम के लिए रेपिटेशन। व्हाइल लूप इसमें एक होता है, आप बहुत अच्छे से फेमिलर हैं, सिंगल लाइन इनसाइड द व्हाइल लूप कोड ब्लॉक, ब्रेसेस कम ऑप्शनल गुड प्रैक्टिस टू यूज, इसको यूज करना चाहिए जहां पे जरूरत हो, ना भी यूज करें तो काम चल जाता है, दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम। अगर आप सिर्फ कहता है नेवर एग्जीक्यूट, वो कहता है द स्टेटमेंट इनसाइड वाइल द कोड ब्लॉक आर नेवर एग्जीक्यूट, अगर इसके अंदर आपने दो कोड लिखे हैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगी अगर आपने ब्रेसेस नहीं दिए, तो अगर एक ही स्टेटमेंट है तो ये इसको करेगी। और उसके बाद कहता है स्टेटमेंट इनसाइड द वाइल ब्लॉक एग्जीक्यूट जीरो टाइम, फिर ये जीरो टाइम एग्जीक्यूट करेगी। डू वाइल में क्या है, एटलीस्ट वन टाइम ये एग्जीक्यूट करती है। वाइल लूप में अगर प्रोग्राम गलत हो तो एक बार ये जीरो टाइम इसको प्ले ही नहीं करता, ठीक है, रन ही नहीं करता, लेकिन डू वाइल इसको एक बार रन कर देता है। इसमें मैंने फ्लो चार्ट डिलीट कर दिए, उसकी जरूरत नहीं थी। उसके बाद कहता है डू वाइल इज द एस अंडर डू और आगे फिर लूप आप चलाते जाते हो, ठीक है। यहाँ पे कहता है एग्जीक्यूट वंस, ये बिफोर, ये याद रखिएगा बिफोर वर्ड यूज किया, कंडीशन इज एवेल्यूएटेड, ये इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले एटलीस्ट वंस इसको चेक करता है और एक बार चला देता है। फॉर लूप जो होता है ये वाइल लूप की तरह ही काम करता है, आपने पीछे पढ़ा है। आपको लेक्चर समझ नहीं आ रहा तो आपको यकीनन मिड टर्म के लेक्चर सुनने चाहिए, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो फिर आपको आगे फाइनल के अच्छे से समझने चाहिए। उसके बाद कहता है कंडीशन रिटर्न ट्रू अदरवाइज इट टर्मिनेटेड, फॉर लूप में वही तरीका है, कंडीशन अगर ट्रू है तो वो टर्मिनेट करेगा, इसको करेगा एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज टर्मिनेट इसको स्टॉप कर देगा। कहता ब्रेसेस आर नॉट मैंडेटरी, इसमें ये बात बड़ी अच्छी है कि अगर आपका कोड जो है इसमें ब्रेसेस नहीं भी लगाते तो तब भी रन करता है, इसकी एक टेक्निक होती है, ठीक है। अदरवाइज इसमें अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए कि ब्रेसेस लगाएं, कोड खराब ना करें, ठीक है। उसके बाद इसमें आप यहाँ पे एक आपको ये वाला सिंटैक्स दिया हुआ है, ये वाला गौर से समझ लें, ठीक है। और ये इसके अंदर उसने एक कोड दे दिया, इसके अंदर दूसरी ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं किया, एक ये तरीकाकार होता है। और एक आप आगे स्विच स्टेटमेंट का आपको बता दिया था कि मल्टी वे डिसीजन होता है जब, यानी कि बहुत सारी
जब हमने कंडीशन लगाई होती है तो वो सारी इकट्ठी प्रिंट ना हो जाए, उनको एक अगर ठीक है तो वही प्रोग्राम चले, बाकी ना चलें इनके लिए, इनको स्टॉप करने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद इन द केस रिजल्ट द देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड, तो प्रोग्राम जो है वो जंप करके आगे की तरफ निकल जाएगा, फ्लो कर जाएगा। ब्रेक लगाना जरूरी होती है, गाड़ी की ब्रेक वाला सीन होता है। फंक्शन कहता है कि एक बड़े प्रोग्राम को ब्रोकन इनटू द स्मॉलर पीस मैनेजेबल पार्ट्स, और बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद एक एक टुकड़े से, एक एक पार्ट से प्रोग्रामिंग को सॉर्ट आउट करना, उसको ईजी करना ही फंक्शन कहलाता था। आप पढ़ चुके हैं फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जाता है। फंक्शन क्या होता है आपको पता है, जब फंक्शन को वैल्यू दी जाती है तो फिर उसको कॉल भी किया जाता है। अगर फंक्शन की वैल्यू जो है हम कॉल करते हैं, इसके दो तरीके होते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू कुछ इस तरह से सीन होता था, फर्ज करें एक लेटर है, मुझे मेरे बॉस ने लेटर दिया, उसने बोला बिलाल साहब आपने गलत लिखा है। मैंने बॉस से लेटर लिया, जाके दोबारा टाइप कर दिया उसको, उसमें मशीन में डाल के मैंने दोबारा लिख दिया। इट्स मीन के जो बॉस के हाथ में लेटर था वो उसके हाथ में नहीं है, तो मैंने उसी लेटर में चेंजिंग कर दिया। इट्स मीन के ओरिजिनल लेटर में चेंजिंग कर दी, इसको कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। और अगर मैंने बॉस के हाथ वाले लेटर की तस्वीर ली, उसको दोबारा जाके सेट किया, न्यू लेटर ला के बॉस को दे दिया, पुराने वाला लेटर बॉस के पास ही था, इट्स मीन के ओरिजिनल में चेंजिंग नहीं की, न्यू वाला जो कॉपी थी उसमें चेंजिंग की, इसको कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको कोई भी आवाज नहीं देते फंक्शन को, कोई भी वैल्यू पास नहीं करते, तो डिफॉल्ट तौर पे जो वैल्यू है वो कॉल बाय वैल्यू हो जाती है, जो कि डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अटेंड करता है। ये उसने बताया भी है कि ओरिजिनल वैल्यू जो है वो रिमेन अनचेंज रहती है। ठीक है, जो कॉल बाय वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती, वो सेफ रहती है बॉस के हाथ में, और इसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। और जो रेफरेंस वाली है इसमें ओरिजिनल में चेंजिंग आ जाती है। उसके बाद टॉप डाउन ये अरे की बात कर रहा है। अरे बेसिकली आप जानते हैं क्या है, तफसील से पढ़ा है आपने पीछे, अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, यू नो। इसको थोड़ा सा मजीद इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक अरे होती है जो इसमें ये 1, 2, 3 इस तरह 0 से स्टार्ट होता है। इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है C++ में और C में। 0 ये इंडेक्स का नाम है, वो खाना, वो डब्बा, वो बॉक्स, उसका जो एड्रेस है, उसका जो लोकेशन पॉइंट है वो इंडेक्स कहलाता है। और इंडेक्स से हम इसकी वैल्यू, वो कहता है कि इंडेक्स नंबर 3, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, कहता है इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू लाओ। इंडेक्स नंबर 3 पे वैल्यू क्या पड़ी है, 1003, 1003। इंडेक्स नंबर 5 पे ये पड़ी है, तो इंडेक्स की मदद से हम वैल्यू पकड़ते हैं। वो कहेगा इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू लाओ, तो ये इंडेक्स नंबर 2 है, इंडेक्स नंबर 1 पे। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6 है, इसका साइज 6 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये इंडेक्स के नंबर और ये इनकी वैल्यू स्टोर है मेमोरी में। ये होती है अरे, और इसकी काफी सारी जो डिटेल हम पीछे पढ़ चुके हैं। और ये C++ में 0 से स्टार्ट होता है, ये देखिए ये लिखा भी है अरे 0 से स्टार्ट होता है, और बाकी लैंग्वेज जैसे फोरट्रेन और बाकी काफी सारी लैंग्वेज उनमें 1 से स्टार्ट होता है। अरे की काफी सारी टाइप्स होती हैं, जैसे मल्टी डिमेंशनल अरे, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम ये सारा पोर्शन छोड़ के यहाँ पे एक अरे मैं वैसे बना देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास जो है एक इंट टाइप, उसका डाटा टाइप जो है वो इंट है, और अरे का नाम क्या रखें, अरे का नाम रख देते हैं बबलू। अरे का नाम जो मर्जी रखो, आपको जो जरूरत है बबलू रखा। इसके अंदर अरे का साइज जो है वो मैंने 5 दे दिया। ठीक है, और समझ आ रही है बात की। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है 5 एलिमेंट देने हैं, जैसे कि मैंने कुछ ये दे दिया और ये दे दिया और फिर ये और फिर ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये कुछ 6 वैल्यू दे दी। साइज 5 है तो वैल्यू हमें इसको 5 देनी पड़ेगी। इसको खत्म कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 5 वैल्यू है, उसका साइज 5 है। और 0 नंबर पे क्या पड़ा है, ये इंडेक्स। अब वो बोले इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा है, तो इंडेक्स 1 पे ये पड़ा है। अब ये नहीं पड़ा 1 पे, ये तो 0 पे पड़ा है, 0 से स्टार्ट होती है, ये 0 पे पड़ा है, ये 1 पे पड़ा है, ये 5 पे पड़ा है। ठीक है, उसके बाद ये सो ऑन, इस तरह से काम चलता है। इसमें मल्टी डिमेंशनल अरे होती है, अरे को ये अरे का नाम है, ये अरे की टाइप है और ये इसका साइज है। इसमें आगे हम कहते हैं मेरे पास एक, मैं कहता हूँ मेरे पास एक बबलू, जो बबलू अरे है इसका जो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो साइज है वो है 2, इसकी रोज हैं 2, इसके 3 कॉलम्स हैं। ये 2 डायमेंशनल अरे हो गई ये वाली जो है, इसकी 2 डायमेंशन है ना।
ठीक है, अगर तीन डायमेंशन होती फिर कुछ इस तरह से होती कि इसकी फिर एक यहाँ पे एक मजीद होता, ये थ्री डायमेंशन हो जाएगी, इसकी जो लंबाई जो रे का रो फोर है इसका ये थ्री है, और जो जी की वैल्यू है वो ये थ्री डायमेंशनल है, ये टू डायमेंशनल है, और ये सिंगल डायमेंशन है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इस तरह से। और उसके बाद क्या है, इसका कुछ बिहेवियर होता है, ये सिंपल सा है एज इट, आप पढ़ते आए हैं पीछे, इसको मजीद आप रीड कीजिएगा, काफी ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंटर्स। पॉइंटर बेसिकली आपने वेरिएबल पढ़ा था, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल बेसिकली एक वैल्यू होती है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है, उस बॉक्स को हम कहते हैं वेरिएबल। अब फर्ज करें एक असद नाम का लड़का है, अली नाम का, कुछ भी नेम रख लो, मैं अपना नाम बता देता हूँ, बिलाल जो है वो रूम नंबर 6 में रहता है, वो जो रूम 6 है, जो एक रूम है, वो जो रूम है मेरा, उसके अंदर कौन रहता है, बिलाल साहब रहते हैं, तो मैं एक वैल्यू हूं उसके अंदर रहती हूँ, ठीक है, मैं फीमेल नहीं हूं वैसे बता रहा हूँ, मैं उसके अंदर रहता हूँ, तो मैं एक वैल्यू हूँ, वो जो मेरा कमरा है वो मेरा वेरिएबल है, ठीक है, वो बॉक्स जिसके अंदर वैल्यू स्टोर की जाती है, जिससे कि मुझे स्टोर किया कमरे के अंदर, उस कमरे को वेरिएबल कहते हैं। अब फर्ज करो मेरे मामा के लड़के की मामी की बेटी ने पूछा कि बिलाल भाई किधर है, ठीक है, तो मेरी मामा ने बताया दाएं हाथ से जाना बाएं हाथ से, हमारे से हमारा घर चौड़ा है इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मामा कहती हैं आप पहले ऊपर जाना, फिर इधर से सीढ़ियां जो हैं उधर से दाएं लेना, फिर बाएं लेना, ऐसे जाते जाते फिर आगे जाके कमरा है, कमरे के सामने एक चेयर है, चेयर पे कंप्यूटर के सामने बिलाल साहब बैठे हैं, तो ये एड्रेस था। तो वो जो पॉइंटर होते हैं वो एड्रेस बताते हैं, उस वैल्यू को जो एड्रेस बताते हैं, मेरी मम्मा ने जो एड्रेस बताया वो मेरा जो एड्रेस है वो किसने बताया, मम्मा ने, मम्मा एक पॉइंटर है, ठीक है, इस तरह से पॉइंटर एड्रेस बताते हैं, वेरिएबल वैल्यू स्टोर करते हैं, उस बॉक्स को कहते हैं, ठीक है, ये पॉइंटर होते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, दिस इज वेरी इजी, पीछे हम पढ़ चुके हैं, पॉइंटर एज अरे आर इंटरलिंक, पॉइंटर अरे के साथ लिंक्ड होते हैं, जिसको पॉइंटर और अरे समझ आ जाए, ये भी मल्टी डायमेंशनल टू डायमेंशनल होते हैं, इस तरह से आगे चलते हैं। उसके बाद फाइल इनपुट और फाइल आउटपुट, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमारे पास पीछे हम पढ़ चुके हैं सीक और टेल्प वैल्यू को पढ़ चुके हैं हम, जो कि सीक होता है और सीक पी होता है और जी होता है, ये क्या करते हैं, एक हमें लोकेशन बताता है और एक मूवमेंट, ठीक है, जो हमें मूव करता है वो सीक होता है, ठीक है, और जो हमें नेक्स्ट जो लोकेशन बताता है वो टेल करता है, हमें लोकेशन टेल करता है, जो पी होता है वो पोजीशन बताता है ना उसकी, ठीक है, और जो हमारे पास टेल होता है वो उसकी लोकेशन बताता है, ठीक है, ये मूव करवाता है पोजीशन को और ये जो होता है उसकी लोकेशन बताता है, ठीक है। उसके बाद ये पीछे पढ़ा है हमने सारा तफसील से, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 23 आपका फर्स्ट लेक्चर होगा फाइनल टर्म का, जो कि ओरिजिनल में एक लेक्चर होगा जो कि आपको तैयार करना होगा, ये वाला लेक्चर आपने तैयार नहीं करना, ये बेसिकली सिर्फ एक रिवीजन थी जो कि करने की जरूरत नहीं है, लेक्चर लेना अच्छा होता है, ये लेक्चर बिल्कुल इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी था आपने पीछे पढ़ा है या आगे पढ़ा है पढ़ना है, ठीक है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, और इसको आप ज्यादा रटा मत लगाइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और इस दफा से मेरा प्लान है कि अगर ज्यादा लाइक्स मिलते हैं तो ट्राई करेंगे प्रोग्रामिंग को अपलोड करने की, अदरवाइज हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं आप सीख सकते हैं वहां पे CS201, आए हमें ज्वाइन करें और बने आप भी एक अच्छे प्रोग्रामर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निकबा। I got broads in Atlanta, switch to the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies.